मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल के रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हमले की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कायरतापूर्ण कृत्य से ये तथ्य सामने आया है कि बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। सत्तारूढ़ टीएमसी की ओर से समर्थित गुंडे अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए बाहर थे। जयराम ने कहा कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक मापदंडों में कोई विश्वास नहीं है और सत्ता में बने रहने के लिए गैर कानूनी रणनीति का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग आने वाले विधानसभा चुनावों में टीएमसी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर देंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है वेस्ट बंगाल में। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को वहां पर तहस नहस कर दिया गया है, गुंडा राज वहां पर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला करना, पथराव करना और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का ये कृत्य किया है, इस विधानसभा के चुनाव, जो आगामी विधानसभा के चुनाव वहां पर जो आने वाले हैं, इसमें उसको भुगतान करना पड़ेगा। जमीन खिसकती नजर आ रही है, बौखलाहट में इस प्रकार की हरकतें वो एक नहीं अनेक वहां पर कर चुकी है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं वो आम दिन की बात बन चुकी है और ऐसी परिस्थिति में वहां की जनता ने जिस प्रकार से अपना मन बना लिया है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ चलने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जब चुनाव होगा वेस्ट बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर जो उनने हमला किया है, वहां के राजनीतिक द्वेष के कारण जो है वो जो गुंडों ने, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। तैयारी रखे हुए हैं वैक्सीन की अराइवल का, हम इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन आए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए बोला गया है उसके लिए पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत की है और बातचीत करके उनने अपनी बात जो जिस रूप में कही है उस तरह से तैयारियां हिमाचल प्रदेश में हमारी चल रही है। दिन रहने वाला हूं, दूसरे दिन आ जाएंगे दिल्ली। हमारे ऑफिशियल बहुत सारे काम जो लंबित पड़े हैं जिनका फॉलोअप करना पड़ता है और कुछ एक फॉलोअप की दृष्टि से वहां जाकर के हम बात करने वाले हैं। सर 27 के लिए